बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम, मैं हूं तारिक महमूद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबुल में जो कुछ हुआ है शायद दुनिया में किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। खुद तालिबान भी ये कहते हैं कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे, मुल्ला ब्रदर का जो स्टेटमेंट है कि इस तरह से होगा, अशरफ गनी मुल्क छोड़ जाएंगे। फिर जो काबुल एयरपोर्ट के मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से वहाँ से निकलने के लिए बेताब हैं, जो फॉरेन मिशन हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब जो है सरकारी टेलीविज़न है वहाँ पे तालिबान का कंट्रोल है, जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ तालिबान का कंट्रोल है। काबुल जो है वो अब मुकम्मल तौर पर अफ़गान तालिबान के हाथों में है। इससे पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। तवक्को तो थी कि इस तरह की सूरत हाल होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी और इस तरह से होगी शायद ये कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। उसके बाद से बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं दुनिया भर में। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जारी है, जहाँ अफगान मंदूब ने अब से चंद लम्हों कबल गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि हम इस्लामी जो इमारत है उसे तस्लीम नहीं करेंगे। अबूरी सेटअप के हवाले से अफगान मंदूब का कहना था कि अबूरी सेटअप जो है उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अब इस वक्त जो है वो जो लाखों अफगान हैं वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से खौफजदा हैं। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, जिसमें इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है और पाकिस्तान ने अपने उसी मौक़िफ़ को और उसी अज़्म को दोहराया है कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं है, यहाँ पे जो भी मसला है वो सियासी तरीके से हल होगा और पाकिस्तान अदम मुदाखलत का जो उसूल है उसी के ऊपर कारबंद है। साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। चाइना का रिएक्शन आया है, रशिया ने कहा है कि वो हालात को देख रहे हैं। साथ साथ अफगान एक डेलीगेशन की यहाँ पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात हुई है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है वहाँ से स्पेशली मीडिया के लोगों को और जो फॉरेन मिशन्स के लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो बहुत एक अजीब सूरत हाल है और हर लम्हा ब लम्हा जो है ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। अब इस सूरत हाल के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर क्या होंगे, खुद इसका जो है वो मिलिट्री एस्पेक्ट क्या है, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इसके नतीजे के अंदर खित्ते में क्या सूरत हाल होगी, खुद अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है वो कैसे होगी, अबूरी सेटअप पर इत्तेफाक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अफगान तालिबान जो अब बज़ोर ताकत वहाँ पर काबिज हैं क्या वो किसी अबूरी सेटअप को तस्लीम करेंगे। बहुत सारे इफ़ एंड बर्ड्स हैं जिसका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में ही मिल सकेगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए साबिक सफ़ीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं मोहतरम जनाब ज़मीर अकरम साहब, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, आप सुनते रहते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़मीर अकरम साहब, ये जो ये ऑल ऑफ सडन चेंज आई है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है काबुल में, कोई भी ये तवक्को तो नहीं कर रहा था, सब कह रहे थे कि हो जाएगा, शायद कोई 3 महीने की डेडलाइन दे रहा था, कोई 6 महीने की, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक से हो जाना, अशरफ गनी का इस तरीके से चले जाना, ये अच्छा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड है, ये हुआ क्या है? ये तो अभी इसको एग्जामिन करके पता लगेगा कि असल में क्या हुआ, लेकिन जो चीजें जाहिरी तौर पर जो अभी लोगों को समझ आ रही है, पहली बात तो ये है कि अफगान हुकूमत और अफगान फौज जो है वो बिल्कुल खोखली साबित हुई है, और जो भी दावे किए गए थे अफगान हुकूमत के सबका सदर के तरफ से या अमरीकी सदर के तरफ से, या ये सारे गलत साबित हुए हैं। ठीक। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से अमरीका ने इस फौज को और इस हुकूमत को बिल्डअप करने की कोशिश की थी और $1 ट्रिलियन भी खर्च किए 20 साल के दौरान, उसका नतीजा जो है वो हमारे सामने है। और वो ये उसकी वजह यह है कि जो अवाम के तौर अफगान अवाम के तरफ से कोई भी सपोर्ट या कोई भी एंडोर्समेंट गनी की गवर्नमेंट के बारे में नहीं थी, ना कि और अमेरिका का प्रेजेंस जो था उसको एक किस्म से ऑक्यूपेशन की तरफ से देखा जाता। और जब तालिबान ने अपने हमले शुरू किए, अपने इकदमत अमली शुरू की, तो ये अफगान फौज जो है या तो उन्होंने हथियार डाल दिए या वहाँ से वो भाग गए और कोई रेजिस्टेंस उन्होंने नहीं दी। तो
इसकी वजह जो है ना वो आई थिंक बिकॉज पब्लिक पॉपुलर लेवल पर अफगान सबका हुकूमत के लिए कोई सपोर्ट नहीं थी, और तालिबान के तरफ से जो भी मूवमेंट हुई है वो उसकी सक्सेस जो है उसकी कामयाबी की वजह यह है कि कोई रेजिस्टेंस उनको नहीं मिली, काबुल हद के हद तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। तो ये अब इसके आगे जाके क्या होगा, एक तरफ से तो एक अच्छी चीज ये है कि जिस तरह की खून खराबा हो सकता था वो नहीं हुआ, जिस तरह से एक खतरा था कि एक लंबा खाना जंगी होगी, कोई लंबी किस्म की खाना जंगी होगी जिसमें काफी लोग मारे जाएंगे, वो भी नहीं हुआ है अब तक। अब मौका ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कहा है और दूसरे जो चीन और रूस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, सही, कि ये मौका है कि हमें सब मिल के एक इंटरम ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को सेटअप करने की जरूरत है जिससे एक ऑर्डरली पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके टू ए मोर परमानेंट गवर्नमेंट। अब देखना है कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक काकड़ साहब, ये मतलब जितने तशद्दुद या खून खराबे की तवक्को थी वो वाली सूरत हाल तो नहीं पैदा हुई, ये कंटिन्यू रहेगी या अब खून खराबा या तशद्दुद के आपको लगता है, क्योंकि अगर तालिबान पावर में होते हैं, वैसे तो उन्होंने कहा कि हम आम माफ़ी और सब चीज़ें जिस तरीके से जो माजी की गलतियां वो लगता है कि शायद ना दोहराएं, लेकिन फिर भी इसका ख़तरा मौजूद है। बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त पिछले 48 घंटे जो गुजरे हैं अभी तक जो पब्लिक पोजीशन उनकी आई है, जो स्टेटमेंट्स उनके आए हैं अमला ब्रादर से लेकर नीचे तक के जो एग्जिबिट भी हुआ है उसका, कल आज सुबह से जो कुछ काबुल का माहौल रहा या बाकी बड़े शहरों का भी रहा, उसमें निस्बतन पुरमन अंदाज में निस्बतन कत्लो गारतगरी का उनसर न होने के बराबर है, और ये एक खुशाइंद पहलू है जैसे जमीन साहब ने भी अभी कहा, लेकिन क्या इस ये सस्टेनेबल अंदाज में होगा, ये किस वक्त तक रहेगा, वो डिपेंड करता है कि जो स्टेट एडमिनिस्टर करना है, जो रियासत को गवर्नेंस की तरफ लाना है, हाकमियत किस अंदाज में करना है, ये मेरे ख्याल में काबुल और पूरे अफगानिस्तान को जो पुरमन अंदाज में उन्होंने बज़ोर ताकत पुरमन अंदाज में ले लिया है उससे भी बड़ा चैलेंज है। ठीक बात। ये एक मरहला था उनके लिए और उस मरहले में सो फार लग रहे हैं कि वो कामयाब हैं, अब वो दूसरे मरहले में हाउ कैन दे मॉफ टू दैट, वो गवर्नेंस की तरफ कैसे जाते हैं, उसमें वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहे हैं और उस तबातुर के साथ कर रहे हैं या खित्ते के बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, उसमें ऑल इंक्लूसिव खित्ता क्या समझता है और ऑल इंक्लूसिव को तालिबान कैसे देखते हैं, शायद इस वक्त इन नुक्तों पे कुछ इख्तलाफ या मुख्तलिफ अंदाज में उसको देखा जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ऑल इथनिसिटीज़ ताजिक उज़्बक हज़ारा सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, अब ताजिकों में कौन नुमाइंदगी करेगा, उज़्बकों में कौन नुमाइंदगी करेगा, हज़ारों में कौन नुमाइंदगी करेगा, मेरे ख्याल में जो सवाल कौन है उस पर फंसेगा। वो बेशक तमाम कम्युनिटीज़ को अपने साथ शामिल ज़रूर रखेंगे, ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स होंगे, देखें उन उसमें उनकी अपनी शायद प्रायोरिटीज़ हों, शायद उनकी अपनी पसंदीदगी हो, और जो बाहर की दुनिया है वो चाहेगी कि जो एस्टैब्लिश्ड फिगर्स हैं, जो नॉन लोग हैं, वो भी इस प्रोसेस में शामिल हों, जो कल को मुमकिन किसी किस्म की रेजिस्टेंस, चाहे वो आर्म्ड रेजिस्टेंस है या पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, वो किसी भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को देगी तो स्टेबिलिटी की तरफ शायद फिर भी अफगानिस्तान ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है ये फैसला इवेंचुअली फिर अफगान्स ने करना है, ये ना मैंने करना है, ना चाइनीज़ ने करना है, ना रशियंस ने करना है, करना अफगान्स ने है। ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये मौका जिसको निक्सन ने कहा था ना सीज द मोमेंट, इस वक्त अफगान्स को इस मोमेंट को सीज करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो लीडरशिप शो करें दोनों तरफ से, तालिबान की तरफ से भी और जो गैर तालिबान हैं उनकी तरफ से, अगर ये मौका खाकम बदहन खुदा ना खास्ता ज़ाया होता है तो ये अफगानिस्तान की भी बदकिस्मती होगी, खित्ते की भी बदकिस्मती होगी, और आम अफगान बेचारा जिस अंदाज से पिछले 40 सालों में फंसा है
वो पता नहीं इस बदकिस्मती की चक्की से कैसे बाहर निकले। डॉक्टर मारिये, जो जमीर अकरम साहब फरमा रहे थे अफगान फोर्सेस का इस तरह से, अब जो अफगान फोर्सेस की जो 3 लाख की बात हो रही थी, अब आ रहा है जी 1,85,000 थे, बाकी पुलिस फोर्स है, फिर हर साल 25% उनके लोग जो है वो फौज छोड़ जाते थे, फिर ट्रेनिंग उनकी उस तरीके से नहीं थी, इक्विपमेंट उनके पास लेटेस्ट था, ट्रेनिंग नहीं थी, फिर अप्रैल के बाद से सैलरीज नहीं है उनकी, इवन जो है वो राशन वगैरह नहीं था, तो डीमोरलाइज थी। अब सिर्फ ये अफगान फोर्सेस की इनकॉम्पिटेंस रीजन है या तालिबान को मासेस की सपोर्ट भी हासिल थी इस पूरे अरसे इस सिनेरियो में? देखें, ये बात गलत है कि आप ये कहें कि इस वक्त जो काबुल जिस अंदाज से गिरा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अफगान नेशनल आर्मी की कमजोरी है। हकीकत यह है कि अफगान नेशनल आर्मी की जो सरबराही है वो अमेरिकन फौज और नेटो कमांड के पास थी, तो जब वो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए और लीडरलेस कभी भी कोई फौज अपनी किसी भी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि जिस मफरूजे पे अमेरिका ने ये जंग लड़ी वो गलत थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अलकायदा काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि ये वो जंग लड़ेंगे। और इस सूरत हाल में दो चीज़ें हमने देखी, एक तो ये कि सर फहरिस्त उन्होंने ये कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जही करें, फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो काउंटर इंसर्जेंसी करें और तालिबान के खिलाफ भी वो मुहिम जही करेंगे, जबकि इसी मफरूजे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तालिबान पश्तून है और तमाम पश्तून तालिबान, और पश्तून असर रसूख का मतलब है कि पाकिस्तान का असर रसूख। इसकी वजह से जो सूरत हाल आपको देखने में नजर आई उसका जो बुनियाद थी जो लोगों से दूर थी, लोगों जो अफगानिस्तान के कबायली निजाम मौजूद था उसकी भी उन्होंने कोई खास इकासी नहीं की। इसलिए आपने पहली दफा देखा कि मजार शरीफ के अंदर भी ना सिर्फ जो है तालिबान की ने बड़ी तेजी से ना सिर्फ सूबे के ऊपर कब्जा किया बल्कि बगैर कोई गोली चलाई हुई। इसका मतलब यही है कि अशरफ गनी साहब जो इस वक्त अफगान हुकूमत की वजाहत कर रहे थे या अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, दर हकीकत वो अफगानिस्तान में किसी भी ग्रोह की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि जिस वक्त वो अफगानिस्तान छोड़ के गए उनके साथ सिर्फ सिर्फ 3 या 4 लोग थे, उनमें से कोई भी अहम लीडर नहीं थे। तो ये बात दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं कि उनके पास तालिबान के पास जो जमीनी जो सपोर्ट थी और या अफगान आवाम की सपोर्ट थी वो यकीनी तौर पे मौजूद है। जमीर साहब, ये अब जिस सेटअप की बात काकड़ साहब ने की कि जी ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, हिस्ट्री तो ये बताती है कि ये तो कभी इस तरीके से इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और फिर ग्रुप्स और फिर लड़ाई और फिर ये कन्फ्रंटेशन, और अब वो एक फरीक वो है जो बजोर ताकत कब्जा कर चुका है, वो क्यों स्पेस देगा? क्योंकि वो तो इस जोन में है कि उन्होंने एक सुपर पावर को शिकस्त दी है, वो किसी और को क्यों खड़ा होने देंगे और क्यों स्पेस देंगे? बात है कि माजी में अफगानिस्तान में जो उनके हुक्मरान हैं या उनकी जो लीडिंग पार्टीज हैं वो साथ बैठ के मिल के एक हुकूमत नहीं चला सके। हमने पहले भी कोशिश की थी, पिशावर अकॉर्ड हुआ था, इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ था, और लेकिन ये सारे जो माहदे थे इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और खाना जंगी हुई जैसे हमें अच्छी तरह मालूम है। फिर जब तालिबान आए तो उस वक्त भी उनको भी यही हम कहते थे, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक, कि आप एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाए, एथनिक माइनॉरिटीज को शामिल करें, ताजिक उज़्बेक को शामिल करें, वो भी उन्होंने हमारी उस वक्त बात नहीं मानी। अब सिर्फ उम्मीद इस बात पर है कि अफगान तालिबान ये खुद कह रहे हैं कि जी हम वो नहीं रहे, हमने भी अपने सबक सीखे हैं, और जो उनकी जो स्पोक्समैन जो लीडरशिप जो उनके जो है वो ये अभी जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उससे तो ये जाहिर होता है कि वो तैयार हैं कि वो अपने जो माजी के गलतियां थी उनको दुरुस्त करेंगे या उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, और वो खुद भी कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, और वो डायलॉग भी कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, और जो इंसानी हकूक हैं माइनॉरिटीज के हैं, ख्वातीन के हकूक हैं, बच्चों के, लड़कियों के, उनकी तालीम के बारे में या उनकी उनके काम करने के बारे में, वो सारी चीजें वो सही जो तालिबान के जो स्पोक्समैन है वो ये सारी चीजें कह रहे हैं हम ये तैयार हैं करने के लिए। और अभी तक कैसे, तो जैसे अगर अबूरी सेटअप बनता है जी, फर्ज कर लें कि किसी को अबूरी सेटअप में बना देते हैं, इलेक्शन होते हैं, ताकत उनके पास है,
उसी इलेक्शन में वो दूसरा फरीक उसे कैसे मानेगा, क्या होगा, मतलब ये तो एक बड़ी अनक्लियर सी चीज है कि फिर तो वो अबूरी सेटअप में भी अपना पपिट बिठाना चाहेंगे कि जो उनके इशारों पे चले वो किसी और को क्यों तस्लीम करेंगे। अब ये तो सारा हम देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ तालिबान को के नुमाइंदों को ये पता होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम जो आउटसाइडर्स हमारे जैसे पाकिस्तान में बैठ के जो बात कर सकते हैं वो सिर्फ यही है कि जो सेंसिबल चीज है वो यही है कि तालिबान पहले एज अ पहला स्टेप, पहला कदम उनका ये होना चाहिए, सारे अफगान फरीक जो है उनका पहला कदम ये होना चाहिए कि वो मिल के एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, इंक्लूसिव ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पर उन पर उनके ऊपर मुआहदा हो जाए कि ये लोग हुकूमत चलाएंगे। उसके बाद काफी मुख्तलिफ तरीके हैं, एक लोया जिरगा हो सकता है जो एक अफगान इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शंस होते हो सकते हैं वो भी एक दूसरा एवेन्यू है जिस तरह से ये सिलेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ये, लेकिन ये सारी चीजें अफगान को आपस में फैसला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं काकड़ साहब एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं जो जमीर साहब ने भी बात की, आपने भी पहले ये इरशाद किया फरमाया था, इसके ऊपर ही आगे बात बढ़ाते हैं कि ये कैसे मुमकिनात में शामिल होगा और कौन अपनी स्पेस छोड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़मीर अकरम साहब, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, अनवारुल हक काकड़ साहब मेरे मेहमान हैं। काकड़ साहब, अब ये गुत्थी सुलझेगी कैसे, एक ताकतवर फरीक है जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कोई अपनी स्पेस छोड़े, मिसाल के तौर पे करज़ई साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर के कहीं उनकी लॉटरी खुल जाए, वो बन जाए, कुछ और फैक्टर ऐसे हुए हैं कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए, वो अपने किसी पपेट के अलावा किसी और को क्यों तस्लीम करेंगे? और फिर अगर जो अबूरी सेटअप बनेगा तो उसके बाद चूंकि कंट्रोल बजोर ताकत उनके पास है तो वो किसी और को कैसे आने देंगे, ये जो अभी गुत्थी कैसे सुलझे? देखिए, कंट्रोल अफगानिस्तान पे मोर और लेस 1996 से 2001 तक भी तालिबान का था। ठीक, जो कमी थी वो थी लेजिटिमेसी की, रिकग्निशन की। आज भी जितनी आसानी से उन्होंने अफगानिस्तान को, उस पर मुख्तलिफ अवामिल हैं, खसूसी तौर पर अफगान मिलिट्री का और उनकी लीडरशिप का जो फेल्योर है वो बहुत ही एक क्लासिक केस स्टडी है कि क्लिप्टोक्रेसी और करप्शन किस तरह इदारों को और रियासत को तबाह करती है, जो इस केस में हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कंट्रोल आने के बावजूद उनको रिकग्निशन और लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी तो इनकी जो सो कॉल्ड जदोजहद है वो सिफर पे ही रहेगी। ये नुक्ता शायद उनकी भी समझ में आ रहा होगा और बाकी दुनिया को भी पता है। आज भी दुनिया के पास ये लेवरेज मौजूद है जो रिकग्नाइज करने के किसी भी फ्यूचर हुकूमत को, वो बाकी मानदा दुनिया के। लेकिन ये लेजिटिमेसी तो उनको 96 में भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं मिली, दो तीन मुमालिक थे जैसे पाकिस्तान आ गया। अगर वो ये चॉइस करते हैं कि हम इसी तरह आइसोलेशन में जिंदगी गुजारेंगे जिस तरीके से 1996 से 2001 के उस दौरानिए में उन्होंने किया है, तो कर सकते हैं, वो कर ले, लेकिन उसके असरात आम अवाम पे, आम अफगान पे जो माशी असरात पड़ेंगे, जो समाजी असरात पड़ेंगे, जो सियासी असरात पड़ेंगे, उससे तो महफूज नहीं रख सकते उनको। और इस वक्त तक उनका जो जिस अंदाज में उभर के जो कुछ हम उनकी बात सुन रहे हैं उनके तर्जुमानों के ज़रिए और जो पब्लिक पोजिशन उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट के ज़रिए लिए, लग ये रहा है कि वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत और अकाउंटेबल हुकूमत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अब ये जो गोल है जो उनका अपना लग रहा है, ये गोल उस वक्त तक अचीव नहीं हो सकता जब तक आप किसी मॉडरेट पोजीशन पे, कोई दरमियानी पोजीशन पे ना आए, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। डॉक्टर मारिया साहब, अब ये चेंज अफगान हैं लोग, वो खुद भी कह रहे हैं हम तब्दील हो गए हैं, लेकिन क्या ये उतने तब्दील हो गए हैं जो अमेरिका को और यूरोपीय ममालिक को और बाकी सबको एक्सेप्टेबल हो कि हाँ ये ठीक है? इतनी तो उनकी भी बॉर्डर लाइन, मतलब वो अपनी क्रॉस नहीं करेंगे और ये भी एक हद तक स्पेस दे सकते हैं, उसके आगे फिर इनकी भी ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे सिविल राइट्स के मामलात हैं, तो ये बीच में से दरमियानी रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ देर हो गई है अब बाहर की दुनिया को अपना असर रसूख
तालिबान के ऊपर उस तरह बावर करवाने की जो पहले करवा सकते थे। हकीकत यह है कि इस वक्त जो भी हुकूमत अफगानिस्तान में बनेगी वो तालिबान की सरबराही में बनेगी। अब इस बात का फैसला कि वो कितनी हद तक कितनी अकलियतों को या कितनी माइनॉरिटीज को जगह देते हैं, इसका फैसला इस बुनियाद के ऊपर होगा कि अफगानिस्तान के कानून बिलखसूस अफगानिस्तान के आइन में कितनी तब्दीली होती है। अब अगर ये कहना कि आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रवैया जो है 100% आप तब्दील करना चाहते हैं, उनके नुक्ते नजर से उनके नजरिए से दूर हट के एक मॉडर्न अशरफ गनी 2 टाइप हुकूमत चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी कोशिशें की गई इंट्रा अफगान डायलॉग की, उसके अंदर अशरफ गनी और उनके साथ मुंसलिक जितने भी ग्रोह थे उन्होंने तालिबान को हुकूमत के अंदर शराकत दारी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। इसलिए इस वक्त फैसला तो बहरहाल जो है अफगान हुकूमत से के हाथों से निकलकर ये तालिबान की सरबराही में जो नई अफगान हुकूमत है वो इस बात का फैसला करेगी। डॉक्टर मरी, उनको रिकग्निशन की कितनी परवाह होगी, रिकग्निशन की या उनकी जो देखें आप ये बात भूल रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो 20 साल तक जंग लड़के आए हैं। रिकग्निशन आपके लिए क्या मायने रखती है? अगर आपके पास तीन चीजें आपके पास हैं, और अब इस बात का फैसला दुनिया को करना होगा, एक तो ये है कि सियासी माशी और अस्करी जो मुस्तकबिल है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की रियासत का, वो आप उसकी क्या बुनियाद रखना चाहते हैं? अगर तो वो अपना सियासी माशी मुस्तकबिल मंशियात बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के साथ वाबस्ता करते हैं तो जाहिर है फिर दुनिया चाहे या ना चाहे वो इस अफगान हुकूमत को जो तालिबान की सरबराही में बनेगी उसको रिकग्नाइज करे या ना करे। लेकिन अगर आप रिकग्नाइज नहीं करते तो ये एक जिंदा हकीकत बन जाएगी। अगर आप रिकग्नाइज करते हैं और बैन अल-अक़वामी दुनिया रिकग्नाइज करेगी तालिबान हुकूमत को, इस वक्त जो इलाकाई हुकूमतें हैं बिलखसूस रूस चीन ईरान और पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आप सबके जो मफादात हैं और जो तहफ़ात हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान में अमन कायम करने के साथ वाबस्ता हैं। दूसरा ये कि अगर आप मावनत नहीं करते तालिबान की रियासत चलाने में और उनके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी जो निकल गई है उसकी जगह आप मावनत नहीं करते तो एक बहुत बड़ा खला पैदा होएगा और ये खला जाहिर है फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के हाथ में जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास इस वक्त इतनी ज्यादा चांसेस नहीं है और ना ही इतनी नेगोशिएटिंग स्पेस है। ये स्पेस सिर्फ उस वक्त पैदा हो सकती है कि अगर अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी तोल पकड़े, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है मंशियात ड्रग स्मगलिंग और इसकी बुनियाद या इसकी जगह बन जाए सिर्फ और सिर्फ, और फिर इसके बाद सिर्फ कुछ रियासतें जो है तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज करें और इसके बाद आप एक नई अफगान जंग शुरू करें। मेरे नहीं ख्याल से कि इस वक्त 20 साल के बाद दुनिया में इतनी अफगान जंग करें अफगान हुकूमत के रवैये को बेहतर करने के लिए। जमीर साहब, अब ये एक जो एक और सोच है जो अमेरिकन्स को और यूरोपियंस को भी लोग कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ लोकल मैटर, ये फिर दोबारा यहाँ पे जड़ पकड़ेंगे और वर्ल्ड इस्लामिक जिहादी मूवमेंट जो है ना उसका ये हब बन सकता है और अमेरिका को और यूरोप को उसी तरीके से खतरा हो सकता है जैसे 9/11 वाले वाक़े हुए, तो लिहाजा इसको इसी वक्त एलिमिनेट करने की ज़रूरत होगी। इस सोच को कितनी पजीराई मिलेगी ये जो वाकयात हुए उसके बाद? ये दो तरफा रास्ता है, एक तरफ तालिबान को इकदाम लेने होंगे जो दहशतगर्द गिरोह जो अफगानिस्तान में कई सालों से हैं, अलकायदा भी है, TTP है, BLA है, ISIS है, दाइश है, और वो एंटी चाइनीज यूगर के ETIM है, उज़्बेक हैं, चेचेंस हैं, ये सारे ग्रुप्स 20-22 जो हैं वो वहाँ अफगानिस्तान में पिछले कई सालों से मुकीम हैं। ठीक। और अफगानिस्तान की हुकूमत ने उनके खिलाफ कुछ इतने कोई ज्यादा इकदाम नहीं लिए, ना कि अमेरिका ने उनके खिलाफ कोई ज्यादा कोई इतने इकदाम लिए थे। तो अब एकदम से कहना कि जी अब तालिबान जो है वो इन सब का खात्मा कर दें वो इतनी जल्दी से तो नहीं हो सकेगा, और तालिबान की मदद करने की जरूरत होगी इन ये चीजें करने। तो इनमें से ऐसे बहुत से ग्रुप भी तो होंगे जमीर साहब जो अशरफ गनी की मुखालफत में या अमेरिका की मुखालफत में तालिबान की हिमायत करते रहे हों और उनके सपोर्टिव रहे हों, अब किस तरीके से किसी और के कहने पे तालिबान उनके खिलाफ खड़े हो जाए? ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो गिरोह थे और जो हैं ये कोई तालिबान के हक में थे या वो शायद को एग्जिस्ट करते थे, ये है कि वो को एग्जिस्ट करते थे, लेकिन तालिबान ने साफ कहा है, अब ये है कि उसके ऊपर वो क्या इकदाम देते हैं वो देखना होगा, लेकिन उन्होंने तो साफ ये कहा है कि हम किसी को
ये मौका नहीं देंगे कि अफगान की सरजमी अफगान सरजमीन से किसी और मुल्क के खिलाफ टेररिज्म या दहशतगर्दी फैलाए। तो अब देखना होगा कि ये किस तरह से करते हैं, लेकिन उनकी मदद तालिबान की मदद जरूर करनी होगी इस चीज में, और उनको खासतौर पे माशी मदद, डेवलपमेंट एड, ये सारा कुछ देना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। अगर वो नहीं देंगे तो फिर तालिबान के पास ये कुवत नहीं होगी कि ये चीजें कर सके। काकर साहब, ये जो मतलब 3,000 ट्रिलियन की मदद जो पूरी और फिर खर्चा और 83 बिलियन का फौजी खर्चा, अब वो 1 रुपए भी तालिबान को देने पे तैयार होंगे अमेरिकन या यूरोपियन? बाकी हम जैसे ममालिक के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, आप तो 2 रोटी हो सकता है दे दें 2 दिन के लिए, उनके कुछ और बर्डन बेयर कर ले। ये तो जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिस तरह जमीर साहब कह रहे हैं कि उनको निकालना पड़ेगा इस सूरत हाल से तालिबान को, ये होगा? मैं यही दोबारा मेरा नुक्ता नज़र यही है कि तालिबान जो है वो इस वक्त एक अकाउंटेबल या एक्सेप्टेबल और लेजिटिमेट हुकूमत की ख्वाहिश लेकर आए हुए, सही। और जब ये ख्वाहिश आपकी होती है, ये वो रवायती अंदाज में अगर इनको कोई देख रहा है कि 20 साल लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, लड़ना एक फेज है, एक अमल है, और रियासत को एडमिनिस्टर करना और गवर्न करना एक और फेज है। दुरुस्त बात है। अब आप क्लाशनकोफें चलाते हुए और खुदकुश और फिदाई हमले करते हुए तो रियासत में सर्विस डिलीवरी नहीं दे सकते, ठीक बात है, या हेल्थ की सर्विसेज, एजुकेशन जो रियासत से जुड़ी हुई सर्विसेज, उनके लिए, उन तमाम चीजों के उसूल के लिए उनको दुनिया के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, चाहे उनको पसंद हो या ना पसंद। अगर सर मैंने ब्रेक लेनी है, एक शॉर्ट कमेंट ये कि अशरफ गनी साहब के इस तरह अचानक से चले जाने से पाकिस्तान के लिए नेक शगुन अच्छा हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान की बैशिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, ये फायदेमंद है इस सूरत हाल पाकिस्तान के लिए? देखिये, सबसे पहले अशरफ गनी साहब या उनके जितने हवारी थे उनकी गलत प्रायोरिटीज थी, पाकिस्तान उनका मसला नहीं था, उन्होंने अपने लिए वो मसला बना लिया, ठीक। उनका मसला अफगानिस्तान था जिस पे उन्होंने तवज्जो नहीं थी, ठीक। और वो तवज्जो न देने का नतीजा, वो और वो एक साहब थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, मुहिबुल्ला थे नाम, तो बड़ा अच्छा माँ बाप ने तजवीज़ किया था, लेकिन उनकी जो फिक्र, सोच और जबान थी इतनी गलीज रही, बिल्कुल, और इस गलाजत का अफगानिस्तान की तारीख में शायद कोई नाम लेवा भी ना हो। तो इंसान जब इस तरह की गुफ्तगू करता है तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। मैं एक ब्रेक लेता हूँ डॉक्टर मारिया, इसके बाद आते हैं तो लास्ट सेगमेंट में जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम बैक नाजीन, अनवारुल्ला काकड़ साहब, जमीर अकरम साहब, डॉक्टर मारिया मेरे मेहमान है, लास्ट सेगमेंट है वक्त का। मैं डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि आप चैलेंजेस पाकिस्तान के हवाले से और ये बहुत सारी चीजों की जो लोगों की नाकामी है उसका नजला जिस तरह पाकिस्तान पे गिरता है, यहाँ पे भी कोई इस हवाले से खतरात हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अफगानिस्तान के अंदर का अमन कायम रहे। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को जो है बैन अलाक्वामी जो है रिकग्निशन दी जाए ताकि उनकी मावनत की जा सके और अफगान हुकूमत बगैर किसी तातुल के चलती रहे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो ना सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, अफगानिस्तान से जो मंशियात के खतरात पाकिस्तान को आ रहे हैं उसमें इजाफा हो सकता है, जो अफगानिस्तान से अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो वहाँ खाना जंगी हो सकती है और इस खाना जंगी की के पस मंजर में एक नई महाजरीन की लहर पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और इससे बढ़ के भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो इस वक्त अफगानिस्तान की एक तरह से आप कह सकते हैं बैकबोन है, और अफगानिस्तान को वो तमाम जो है सपोर्ट दे रही है जो कोई और इलाकाई ताकत नहीं दे रही। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल के जो तरक्की के ख्वाब हैं वो मुश्तरका तौर के ऊपर देखे जाए, क्योंकि अगर आप तालिबान हुकूमत की सपोर्ट नहीं करते हैं और आप ये काम नहीं करते हैं तो अफगानिस्तान में खाना प्रेशर आप देख रही हैं डॉक्टर मारिया, पाकिस्तान की पाकिस्तान पे प्रेशर आप देख रही हैं, और अगर प्रेशर होगा तो किस नौयत का होगा, कि नाकामी का मलबा पाकिस्तान पे या ये प्रेशर होगा कि मामले को ठीक करें?
देखिए प्रेशर होगा आपके ऊपर और प्रेशर रहेगा, लेकिन बैन अल-अक़वामी दुनिया को पाकिस्तान से वो तवक्कात नहीं रखनी चाहिए जो 20 साल में वो खुद पूरी नहीं कर सके। इंट्रा अफगान डायलॉग की नाकामी पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से नहीं है या तालिबान की कोशिशों की वजह से नहीं है, ये इस बात के साथ मुंसलिक है कि आपने इंट्रा अफगान डायलॉग में जहां तालिबान पर तसर रसूख इस्तेमाल किया, चाहे वो जंगी सूरत हाल से किया है किसी और तरीके से, अफगान हुकूमत के ऊपर आप वसर रसूख डालने में नाकाम रहे। और अभी भी प्रेसिडेंट गनी साहब कह रहे हैं कि दर हकीकत इस वक्त भी वो अफगानिस्तान के सदर हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुल्क छोड़ा है, लेकिन अभी तक जो है बतौर सदर वो अपने आप को समझ रहे हैं। तो ये इस बात की अकासी कर रहे हैं कि जो अगर आप अफगान हुकूमत को नहीं मानते और अफगानिस्तान के अंदर जो जंगजू हैं उनको वो पोजिशन नहीं देते, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अफगानिस्तान के अंदर आप किसी किस्म का सुलूक कायम कर सकें। प्रेशर होगा आप पे, अमरीका की तरफ से प्रेशर होगा, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके मफादात क्या है और आपके मफादात इस वक्त अफगानिस्तान के अमन के साथ वाबस्ता है, अफगान लोगों के साथ वाबस्ता है, अमरीका के साथ नहीं। जमीर अकरम सर, चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए और किस किस्म के प्रेशर्स होंगे आपके लिए शॉर्टली सर? एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो यही जो मलबा जो आप बात कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से और वेस्ट की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से पहले भी हमें ब्लेम किया जाता था, एक किस्म से स्केप गोट बनाया जाता था अफगानिस्तान के हवाले से, और कि तालिबान को पाकिस्तान की मदद से तालिबान को हराया नहीं जा सकता, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की वजह से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका अपनी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान के सर पर डाल रहा है और डालेगा, तो हो सकता है कि आगे चल के आपके ऊपर कई लोग अभी अमेरिका में ऑलरेडी इस चीज के बारे में बात करनी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है तालिबान की फतह से और उनके जितना जो नेटवर्क था वो सारा कोलैप्स कर गया है। अब उनकी कोशिश होगी कि वो उस नेटवर्क को रिवाइव करें और जो उनके हमी हैं अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज जो हैं उनके साथ वो मिलें, तालिबान ये टीटीपी बीएलए इन लोगों को वो इस्तेमाल फिर से करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को और फैलाया जाए। तो ये इस किस्म के चैलेंजेस हमें, टेररिज्म का खतरा है जमीर साहब पाकिस्तान में इस सूरत हाल के बाद? टेररिज्म तो आपके पास ऑलरेडी आपने देखा है एस्केलेशन हो रही है पिछले एक दो तीन महीने से जब से ये अमेरिका का मर्दा हुआ है और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम निकल रहे हैं। आप देखें दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए, वर्चुअली हर रोज एक दहशतगर्दी का वाकया होता है। और दासू में अभी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसमें हिंदुस्तान और इंडिया से इंडिया अफगान इंटेलिजेंस मुलव्वस था, तो ये सारी चीजें जो है आगे चल के ये उनकी तरफ से ये मसले वो चलेंगे, हम ये चैलेंजेस हमें फेस करने तैयार रहना चाहिए। काकड़ साहब लास्ट कमेंट सर, चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए और प्रेशर्स या थ्रेट्स क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के इस वक्त है वो मेरे ख्याल में ये है कि किस तरीके से हम रिस्ट्रेन करके ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की सो कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन है उसको बार बार बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में चैलेंज ये है कि हम इस पे थोड़ा सा काबू करके अगर कोई पॉलिटिकल रोड मैप यूएस यूके ईयू को दे सके और उनको ये सेंस कन्वर्ट करा सके कि आपका किरदार अब भी एक पीसफुल स्टेबल प्रॉस्परस अफगानिस्तान में बन सकता है और ये जो हॉन्ट कर रहा है नैरेटिव कि जी आपने तबाही करके चले गए, तो ये निस्बतन एक सेटल्ड पोजीशन में आ सकता है, इस पे काम करना चाहिए बजाय इसके कि अगर तूफान से टकराना नहीं चाहिए बार बार इसका हम तकरार कर रहे हैं कि जी उनकी शिकस्त हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर जो जमीर साहब कह रहे हैं कि इस किस्म की एक्टिविटी लॉ एंड ऑर्डर की मेरे ख्याल में एक प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। हमारे पास जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, सिविल आर्म फोर्सेस है, अल्लाह का करम है हम ये अपना टैक्स रेस करके पाल रहे हैं, ये मेरे और आपके टैक्स से टैक्स उनकी तरफ जाता है और वो बदले में अपनी जान का नजराना हमारे लिए देते हैं। तो हम किसी कांग्रेस की एड पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो पाकिस्तान की रियासत का स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑल टुगेदर किराए के सिपाही नहीं है हमारे नहीं पास है, ठीक बात है, आउटसोर्स किसी ने हमें नहीं करवाया हुआ है। ठीक बात है, बिल्कुल। काकड़ साहब, जमीर अकरम साहब, डॉक्टर मारिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।